थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये बाहर से चल रही है, ये फोटो ले ले, फोटो तो आगे लेके बैठ जाओ तुम्हारे। हां बस आइए धीरे धीरे आइए, तो पीछे आ जाओ, चलिए फॉलो कीजिए। सही था कि सबसे पहले मैं बात करूं सॉन्ग की, तो मैं आगे सॉन्ग सुना, बहुत ही प्यारा सॉन्ग लगा मुझे, सैया मिले लड़कैया में। सबसे पहले जानना चाहूँ किस तरह का रिस्पांस आ रहा है आपके सॉन्ग को लेकर। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए, और मैं हर मीडिया में यही बोलती हूँ कि हमको तो बहाना चाहिए होता है आप लोगों से इंटरेक्शन करने का। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और गाने का रिस्पांस काफ़ी कमाल है एक्चुअली। जब हमने टीज़र रिलीज़ किया था 3-4 दिन पहले, तभी से सोशल मीडिया पर रिस्पॉन्स आया था, क्योंकि जैसा आप जानते हैं सैया मिले लड़कियाँ, हम यूपी बिहार वाले बचपन से इस गाने को सुनते आए हैं, कितना फेमस ये फोक रहा है। तो जैसा कि हम लगातार अभी फोक कंटेंट पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बिहारी जो असली संगीत है वो डेफिनेटली हमारा फोक है। और ये जो एक मानसिकता बन गई है लोगों की भोजपुरी को लेके, कि भोजपुरी का मतलब ही अश्लीलता है, वल्गैरिटी है, छोटे छोटे चीप लिरिक्स और वीडियोज़ ही आते हैं, बट ऐसा नहीं है। ज़माना बदल रहा है, बहुत सारे कलाकार अब अच्छा करने की कोशिश में लगे हैं, तो हमने भी वैसे शुरुआत की। और बस जैसे टीज़र ही डाला था उसी वक्त लोग बहुत एक्साइटेड हो गए कि सगे मेरी लड़कियाँ क्या बात है, तो टीज़र में ही बहुत ज़्यादा प्यार मिला। और अभी 2 घंटे पहले ही बस रिलीज़ हुए हैं गाने को, और लोगों ने अभी से जो रील बनाना शुरू कर दिया है, बहुत सारे मेंशन आ रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि रिस्पांस अभी है तो आगे भी काफ़ी अच्छा होगा। जी, सारी बात करूँ कॉन्सेप्ट की, तो बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट आप लेके आए हो। जी, किस तरह का मतलब जर्नी रही आपकी, कॉन्सेप्ट कहाँ से आया इतना अच्छा प्यारा मन में? हाँ, बेसिकली मैंने तो इसमें सिर्फ गाने का काम किया है, गाने के कॉन्सेप्ट पे काम किया है मेन। तो इसमें जो हमारी पूरी टीम है उसकी चर्चा पहले करूँगी। तो शैलेंद्र द्विवेदी जी हमारे सिंगापुर के हैं, जो इस गाने के प्रोड्यूसर हैं, और इनका ही ये प्रॉपर एक था, वो IT के हैं बेसिकली, उनकी पूरी टीम IT की है। तो उन्होंने जब मेरी उनसे बात हुई, तो उनको था कि हमें म्यूज़िक का तो कोई नॉलेज है नहीं प्रिया जी, पर क्योंकि हम बिहार से आते हैं, स्पेशली भोजपुर जिला से आते हैं, तो हम चाहते हैं कि जिस तरीके का मानसिकता लोगों में जो फैली है यूपी बिहार के म्यूज़िक को लेके, तो उसको हम जो है वो तोड़ना चाहते हैं, तो सब प्रयास में लगे हैं, तो हम भी क्यों ना करते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जिनको म्यूज़िक का कुछ भी नहीं पता है, बट वो अपनी भाषा को लेके बहुत ज़्यादा यू नो अटेंटिव हैं, और चाहते हैं कि भाषा के लिए कुछ किया जाए। क्योंकि मैं भी लगातार, मैं बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र से आती हूँ, मैथिली में मैं लगातार काम कर रही हूँ। लोगों ने बहुत प्यार दिया मेरा गाना मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अभी हर तीसरे दिन इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग हो जाता है, तो बड़ा अच्छा लगा। तो बस हमने ऐसे ही चर्चा की कि क्या किया जाए, कौन सा ऐसा उठाया जाए फोक, जो फोक का एसेंस भी हो और उसको हम पूरा बदल दें। तो आप अगर ये गाना सुनेंगे तो देखेंगे कि सिर्फ हमने सयाम मिले लड़कियाँ मैं क्या करूँ लिया, और पूरे गाने को हिंदी इंग्लिश थोड़ा अवधी थोड़ा भोजपुरी 3-4 मिश्रण बना के इसको पूरा एक नया ही गाना ऑलमोस्ट बना दिया है। हाँ बिल्कुल, तो मुखड़ा नहीं, पहले जो इसका अट्रैक्टिव अंतरा है वो गाती हूँ उसमें। ये कहती है वो कि इंस्टाग्राम पे जब मैं आई, इंस्टाग्राम पे जब मैं आई, 10 मिलियन में फैन बनाई, ब्यूटी मेरी रील पे छा गई, मस्त अदाए सबको भा गई, करना बड़ाई हर जैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कियां 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 मैं का
करूं। तो जैसा हमने कहा कि हमने इसको पूरा आज का गाना बनाया, तो वर्ड्स देख सकते हैं जो हम हर दिन में इंस्टाग्राम यूज करते हैं। लड़कियां जो है वो रील पे बहुत ज्यादा फोकस रहती है, ये जो आज के इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो इसकी स्टोरी हमने ऐसे दिखाई है कि लड़की जो है वो फेमस होती है और उसको सब प्यार करते हैं, बट जिससे वो प्यार करती है वो उसको अटेंशन नहीं देता है। तो इस चीज़ को लेके जो डे टू डे लाइफ में हर एक दूसरी लड़की लड़के की लाइफ में होता है, इसको हमने आज के कंपैरेटिवली जो चलता आया है उसी को एक गाने में बदल दिया और ये हुक उठाया सही है मिले लड़कियाँ कि मैं तुमको मुझे मतलब मुझे लोग अटेंशन देते हो और तुम मुझे नहीं देते हो, मेरी केयर नहीं करते हो। तो ये एक बचपना है, चुलबुलापन है, फिर लास्ट में हम दिखाते हैं कि सैया जो है फिर उसको वापस से डेट पे लेके जाता है और फिर वो लोग अच्छे से मिलके ये कर लेते हैं। तो बस टीम की चर्चा कर दूंगी और इसको बड़े अच्छे से डायरेक्ट किया है आदिल खान जी ने, इसका जो म्यूज़िक है वो एल के लक्ष्मीकांत ने इसे बनाया है और आपकी प्रिया ने गाया है और बहुत ही प्यारी इसमें जो जिन्होंने अदाकारा है प्रियान सेन, उन्होंने एक्ट किया है, सुमित लालवानी जी वो वही लड़के बने हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड को अटेंशन नहीं देते हैं, तो मिल मिला के बड़ा प्यारा है। और संजय भूषण पटियाला जी जो हैं हमारे पूरे पीआरओ का काम कर रहे हैं, कैमरा के सामने नहीं आते हैं क्योंकि कैमरा के पीछे के लोग हैं लेकिन डेफिनेटली इन लोगों का साथ ही जब मिलता है कलाकार को तभी एक कलाकार जो है उसका काम जो है लोगों तक पहुंचता है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपकी अच्छी टीम की बहुत आवश्यकता होती है, तो आई एम वेरी ग्लैड कि उसको इतना प्यार मिला। और कुछ भी बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लिरिक्स अगर लोगों तक नहीं जाए और लिरिक्स अच्छा ना हो तो हमारी जो ये कोशिश है वो नाकाम हो जाएगी। तो इसका जो लिरिक्स है वो संतोष पुरी जी ने लिखा है, सॉरी। तो बड़े प्यारे तरीके से उन्होंने इस गाने को घुमाया है कि आज का ये गाना लगे और लोग इसको पसंद करें। साथ ही बात करें टाइटल की, तो मतलब गाना बनने के बाद टाइटल तैयार हुआ या पहले? नहीं, जैसे हमने कहा सैया मिले लड़कियां ही इसका टाइटल है, तो ये तो बना बनाया बहुत पुराना अवधि यूपी बिहार में गाने वाला फोक है। हाँ, तो इसका हमने बेसिकली आप रिमिक्स ही कह सकते हैं कि हमने इसको सिर्फ इसके दो लाइन लिए, बाकी पूरा गाना बदल दिया कि जब रोमांस वाला बजता सॉन्ग है वो तो देखता डोरेमोन है, पर सोए मोरे पल्लू के छैया में क्या करूँ, तो सैया मिले लड़कियां मैं क्या करूं, ये इसके मुखड़े का हुक है। और फिर आप जब गाना देखेंगे पूरा सुनेंगे तो अलग अलग अंतरे में हमने वही अटेंशन केयर की बात की है, तो जब आप सुनेंगे और वीडियो देखेंगे तब आपको और क्लियर आप मजा आएगा। साथ ही बात करूं आपकी वॉइस की, जो बहुत ही कमाल की वॉइस है। थैंक यू। कोई आपका मनपसंद गाना है जो आप गाना चाहो, कोई भी गाना? मनपसंद की, एक्चुअली ये सबसे कलाकार के लिए सबसे टफ क्वेश्चन होता है, हम तो इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं लेकिन जब पूछते हैं कि आपका फेवरेट गाना कौन है, आपका फेवरेट सिंगर कौन है, बड़ा उलझन होता है। तो लेकिन खैर मैं आपको अपना ही गाया हुआ गीत सुनाती हूँ क्योंकि वो अभी इंस्टाग्राम पे बहुत ट्रेंड हो चुका है और ये एक फोक गाना है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक फोक गाना जो है वो इंस्टा पर ट्रेंडिंग साउंड में आया और फीचर साउंड में आ गया, क्योंकि लगातार लोग तो इस पर रील्स बना ही रहे थे, विच इज़ आजो मिथिला नगर यानी हाथ सखिया। पर कुछ दिन पहले जैसे हमने कहा कि मैथिली के साथ साथ अब मैं भोजपुरी में उतर चुकी हूँ और मेरी प्रयास है कि मैं भोजपुरी में अश्लीलता को धीरे धीरे अपने संगीत के अच्छे कंटेंट के माध्यम से एक लोगों को बोलूं कि आप उसको ना सुन के ये सुने, क्योंकि ये हर तरीके से आपके लिए बेहतर और हमारे हमारे बिहार के इमेज के लिए एक बहुत बड़ी वो है। बट मेरे मैथिली गाने पे अभी एक हफ्ते पहले भोजपुरी की बहुत ही प्रसिद्ध अदाकारा है आम्रपाली दुबे जी, उन्होंने इस गाने पे रील बनाया क्योंकि ये ट्रेंड करा था। अक्षरा सिंह ने इस गाने पे रील बनाया, वीडियो बनाया मेरे साथ, तो वही गाना अभी मैं आपके लिए गाऊंगी। ऐसे मेरे बहुत सारे मन पसंदीदा गाने हैं बट मैं अभी तो फिलहाल मेरा खुद कहीं चल रहा है, तो वो है कि आजो मिथिला नगर निहाल सखिया, आजो मिथिला नगर निहाल सखिया, के चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, जिकरा लागे जोगी मोने जप तप कैले, से मोरा मिथिला में पाहुन बन के ऐले, आज लोढ़ी से सिकाई उनके गाल सखिया, आज लोढ़ी से सिकाई उनके गाल सखिया, के चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। बॉलीवुड में ऐसा कौन सा गाना है जिसके सबसे ज्यादा आपको पॉपुलैरिटी मिला था?
बॉलीवुड में अगर मैं कहूँ तो मेरी जो डेब्यू हुई थी वो एक बेसिकली एक वीर रस की जो एक गायकी मतलब होती है जो हम गाते हैं, तो भुज मूवी से मेरी बॉलीवुड डेब्यू की शुरुआत होती है। हालांकि वो गाना नहीं है, मतलब एक कविता टाइप की है, बट हाँ अभी अगर मैं ब्लॉकबस्टर कहूँ तो अभी वो आने वाला है बॉलीवुड में। लेकिन क्योंकि बॉलीवुड म्यूज़िक के साथ साथ इंडिपेंडेंट म्यूज़िक का भी बहुत दौर चला है, मतलब हम सिंगल्स निकालते हैं, हम अपने वीडियोज़ निकालते, तो उसमें अगर मैं अभी कहूँ तो राहुल वैद्य के साथ मेरा एक गाना आया था मेहंदी रच गई, जिसको लोगों ने बहुत प्यार दिया। आई वॉन्ट बी विद यू अध्ययन सुमन के साथ अभी 2 महीने पहले एक प्रोजेक्ट आया था, तो इस दोनों गाने को बहुत ज़्यादा लोगों ने प्यार दिया है। तो इस ये दोनों गाने अभी काफ़ी लोग लगातार ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे इस पे लाखों से ज़्यादा प्लेज हो चुके हैं, तो इस दोनों गाने पे मुझे बहुत ज़्यादा लोग प्यार मिल रहा है। बट क्योंकि मैं अभी अपने फोक संगीत पे ज़्यादा फोकस्ड हूँ, अपने मैथिली और भोजपुरी को लेके, और लोग लगातार प्यार दे रहे हैं, तो अभी आने वाले समय में आप बहुत सारा प्यारा प्यारा गाने मेरी आवाज़ में सुनेगा। साथ ही जाते जाते अपने फैंस के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? अपने फैंस को यही कहूँगी कि मैं सच में बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि आप लोग मेरे जीवन का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं, और ये हिस्सा जितना बढ़ेगा उतना मुझे अच्छा लगेगा, उतनी ज़्यादा जो है मुझे मिलेगा प्रोत्साहन, और मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे अपने संगीत पर और भी ज़्यादा काम करना है, लगातार आपके लिए अच्छा अच्छा कॉन्टेंट लाना है। तो बने रहिए, जिस तरीके से आप मेरे सारे इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक हो चाहे मेरे गानों को जितना प्यार देते हैं, ये प्यार और बरकरार रखिए, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अच्छा साफ़ सुथरा कंटेंट जितना ज़्यादा अच्छा हो सके, हर मायने में साफ़ सुथरा, गायकी से लेकर शब्दों से लेकर वीडियो से लेकर, वो करती रहूँगी, और आप सबको कभी डिसअपॉइंट नहीं करूँगी। कभी कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, गलती से इंसान सीखता है, बट हाँ कोशिश करूँगी कि गलती नहीं हो, अभी तक नहीं हुई है, आगे भी नहीं हो, बट लाइफ है होती रहती है, बट कभी बुरा मत मानिएगा और बस प्यार देते रहिएगा। प्रिया जी, लास्ट क्वेश्चन जाते हैं। हाँ जी, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी का कल जन्मदिन है, और मुझे सूत्रों से पता चला है कि दिल्ली में आपको उसके लिए सम्मानित किया जा रहा है, उसके बारे में बताएंगे डिटेल्स कुछ? तो जी हाँ, कल जो है दिल्ली में हमारे कार्यक्रम है, अटल मिथिला सम्मान काफ़ी समय से ये चलता आ रहा है, और प्रदीप झा जी जो हैं इसके बेसिकली संस्थापक अगर कहूँ तो हैं वो, और हमारे माननीय संजय मयूख जी जो कि इसके मेन अगर कहूँ तो उनके ही आशीर्वाद से और उनके ही सारे देख में ये होता है, तो बड़ा बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, बहुत सालों से चला आ रहा है, और इस बार मुझे अटल मिथिला सम्मान मिलेगा जो भी मैंने अभी मिथिला में अपने फोक पर काम किया है उसके लिए, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ पर जो कलाकार आ रहे हैं वो बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत सालों से काम कर रहे हैं, हमारे बिहार के गौरव आदरणीय श्रीदित्त नारायण जी हैं, फिर इंडस्ट्री से अनुराधा पौडवाल जी आ रही हैं, अलका याग्निक जी आ रहे हैं, और फिर बहुत सारे माननीय सांसद हैं, बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, खेल मंत्री हैं, अलग अलग फील्ड के जो मंत्री हैं सब आ रहे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक तो मैं सबसे छोटी हूँ वहाँ पर और इतना बड़ा मुझे सम्मान मिल रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आप सभी का बहुत बड़ा उसमें रोल है। तो बाकी के जो डिटेल्स हैं या जो है पिक्चर्स, वो आपको सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल जाएगा, तो कल के लिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, कल दिल्ली में इवेंट हो रहा है। हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि इस तरीके का व्यक्तित्व हमारे भारत ने मतलब भूमि को हमें मिला है, और सच कहूँ तो मैंने उनकी कविताओं को थोड़ा पढ़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, पर उनके व्यक्तित्व के बारे में कौन नहीं जानता है, और उनके नाम से अगर आपको सम्मानित किया जा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से उन्होंने अपने देश का नाम हर जगह है कि आज बाहर भी जो है उनकी गाथाएं, उनकी कविताओं को लोग पढ़ते हैं, उस पर वीडियोस भी बनाते हैं, उनको अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, उस तरीके से बस उनका अगर आशीर्वाद मिल जाए तो हमारी भी यही कोशिश रहेगी कि जिस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को बनाया कि पूरा देश दुनिया विदेश हर जगह उनका नाम का ठप्पा लगाए, तो हम पे भी वो आशीर्वाद है और हम भी वही करें। तो धन्यवाद। थैंक यू सो मच।